सभी का स्वागत है। आज मैं काजू कुकीज बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, हम सबको बहुत पसंद आता है और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं काजू कुकीज बनाना। काजू कुकीज बनाने के इंग्रेडिएंट, हमने 1.5 कप मैदा लिया है, हमने मेजर कप से मेजर किया है, 1/2 कप चीनी मिल्क में, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो चीनी की मात्रा को बढ़ा दें, 1 कप बटर, 1 कप काजू पिसा हुआ, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा दूध, वनीला एसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं काजू कुकीज बनाना, जिसके लिए सबसे पहले हम एक बॉल में बटर डालेंगे। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। चीनी हम इसको अब अच्छे से मिलाएंगे और तब तक हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये पहले तो अच्छे से मिल ना जाए और इसका कलर बदल ना जाए। देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और कलर भी चेंज हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा मिल्क मेड डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो चीनी की जो क्वांटिटी है इसको बढ़ा दें, फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। वनीला एसेंस 10 से 12 बूंद और इसको अच्छे से मिला दें। ये हमारा बहुत अच्छे से फिट चुका है। अब हम इस पे एक छन्नी रखेंगे और इसमें मैदा डालेंगे, बेकिंग पाउडर और इसको इसमें छान लेंगे। इलायची पाउडर, पिसा हुआ काजू, फिर अच्छे से इसको मिलाएंगे। अच्छा है कि आप अपने हाथों का ही इस्तेमाल करें ताकि जो हमारा डो है इससे अच्छे से बने। अब इसमें हल्का सा दूध डालेंगे और इसको एक बार और मिलाएंगे। बस ध्यान दें कि ये गीला ना हो, हल्का सा दूध डालें जिससे कि एक डो बन जाए। ये देखिए ये जो हमारा डो है ये तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, ऐसे आप लॉग बनाएं एक बोर्ड पे लेके और एक पॉलिथीन का इस्तेमाल करेंगे हम, उस पे हम इस लॉग को ऐसे रख देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। आप इसको चाहे तो गोल कर लें या चाहे तो सिलेंड्रिकल शेप में दे दें। इसी प्रकार हम दूसरा लॉग भी तैयार करेंगे। इन लॉक को हम फ्रिज में 1.5 घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद इसे बेक करेंगे। 1.5 घंटा हो चुका है, मैंने हमारे लॉक को फ्रिज से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सेट हो गया है और जब हम इसे काटेंगे तो एकदम बिस्किट के शेप में कटेगा। हम अब इसे बिस्किट के शेप में काटेंगे पर उससे पहले हम हमारे ओवन को प्रीहीट पे लगा देते हैं। 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए हम प्रीहीट पे छोड़ेंगे। अब हम एक शार्प नाइफ से और किसी बड़े नाइफ से इसे पतला पतला काटेंगे। अब देख सकते हैं जो हमारा बिस्किट है वो कितने अच्छे से कट रहा है। आप चाहें तो शाम को ये डो बना के फ्रिज में रख दें, फिर ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप जल्दी बिस्किट बनाना चाहते हैं तो आप डो को 1.5 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दीजिए। और इसी तरह मैं दूसरे लॉक से भी बिस्किट काटूंगी। हम अब हमारे जो बेकिंग ट्रे है उस पर बटर से ग्रीस करेंगे। ये अच्छे से ग्रीस हो गया है, ये जो हमारे बिस्किट्स हैं हम इस ट्रे पे इसको रख देंगे और इस पर हम कटे हुए काजू लगा देंगे। हमारे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं बेक होने के लिए और हमारा ओवन भी प्रीहीट हो गया है, तो अब हम हमारे बिस्किट्स को ओवन में डालते हैं। टेम्परेचर 180 डिग्री और टाइम 15 मिनट। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा काजू बिस्किट बेक हो चुका है। तो चलिए हम हमारे काजू बिस्किट को चेक करते हैं कि वो अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं।
सकते हैं कि ये कितने अच्छे से बेक हुआ है, कितने अच्छे से बन गया है और इसका कलर कितना अच्छा है। आप सभी अपने घरों में हमारी इस रेसिपी को बनाएं और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।